नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधा सदाबहार के बारे में। ब्लड शुगर को कंट्रोल के लिए ये जादुई फूल है बेहद असरदार। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाओं के साथ ही नेचुरल घरेलू उपायों को भी आजमा सकते हैं। बता दें कि एक अध्ययन के मुताबिक सदाबहार के पत्तों में ब्लड शुगर कम करने के की ताकत होती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति शुगर का मरीज है तो आप डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाओं के अलावा कुछ घरेलू नेचुरल उपाय भी आजमा सकते हैं। यह डायबिटीज के लिए कई असरदार और नेचुरल घरेलू उपाय हैं। क्या आप जानते हैं कि सदाबहार का पौधा भी डायबिटीज के मरीजों के लिए औषधि के रूप में काम करता है? NCBI पर प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक सदाबहार के पत्तों में ब्लड शुगर कम करने की ताकत होती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि सदाबहार के पौधे का इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए एक औषधि के रूप में किया जाता है। सदाबहार के पत्तों का रस या काढ़ा डायबिटीज के इलाज में फायदेमंद होता है। शोधकर्ताओं ने डायबिटिक खरगोशों पर अपना रिसर्च किया था, जिसमें सामने आया कि इस औषधि पौधे की हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी ने खरगोशों में ब्लड शुगर को कम कर दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि सदाबहार क्या होता है और यह डायबिटीज की बीमारी में किस तरह काम करता है। क्या है सदाबहार? आपको कहीं भी सदाबहार का पौधा दिख सकता है। बता दें कि इस पौधे पर सफ़ेद, लाल और गुलाबी रंग के फूल 12 ही महीने आते रहते हैं। इस पौधे को अंग्रेजी में कैल्थर एंथस रोसेस कहते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल औषधि रूप के अलावा सजावट के रूप में भी किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए इस पौधे की हरी रंग की पत्तियों का इस्तेमाल प्राकृतिक औषधि के रूप में किया जाता है। शोधकर्ताओं ने ब्लड शुगर पर सदाबहार का प्रभाव जानने के लिए डायबिटिक खरगोशों पर इसका अध्ययन किया था। इस दौरान सदाबहार की पत्तियों का रस खरगोशों को पीने दिया, जिसके बाद पाया गया कि खरगोशों में 16 से 31.9% तक ब्लड शुगर लेवल कम हो गया था। शोधकर्ताओं ने रिसर्च में पाया कि सदाबहार के पौधे में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके कारण यह ब्लड शुगर को कम करने में मददगार है। साथ ही यह कई रोगों से बचाव में भी सहायक है। डायबिटीज के लिए ऐसे करें सदाबहार का इस्तेमाल। सदाबहार के पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रख लें, फिर प्रतिदिन फलों के जूस में इस पाउडर को 1 चम्मच मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हर रोज 3 पत्ते चबा सकते हैं। इसके अलावा सदाबहार के फूलों को पानी में उबालकर भी खाली पेट पी सकते हैं। यदि वजन कम करना हो तो सदाबहार के पौधे की जड़ें लगभग 1 ग्राम और अश्वगंधा के पत्ते 2-3 पत्ते इनका काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट पिए तो वजन कम होता है और रक्त शुद्ध भी होता है। अन्य स्वास्थ्य फायदे। आयुर्वेद और चीनी दवाओं में सदाबहार का लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। मलेरिया, गले में खराश, डायबिटीज और ल्यूकेमिया जैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी सदाबहार का इस्तेमाल किया जाता है। इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सदाबहार के इस उपाय को आजमाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ या एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।